सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार में। मैं अभी चाइना में और मैंने नोकिया X7 खरीदा है क्योंकि यार नोकिया X6 बहुत ही पॉपुलर फोन था, वो एक्चुअल में अच्छा भी था। तो इसका एक सक्सेसर आप समझ सकते हो नोकिया X7। तो इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और देखते हैं हमें फोन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 14,000 लाइक्स का। आज से पहले मैंने इतना बड़ा टारगेट नहीं रखा है, देखते हैं भाई आप लोग पूरा करते हैं नहीं। तो भाई ये है नोकिया X7 का बॉक्स, अब यहाँ पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं आप, नोकिया X7 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर टेप हटा दी है। तो देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है वो सब कुछ। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमें फोन रखा हुआ मिल जाता है और ये एक और पार्टीशन है, इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए फोन को पुल करते हैं और ये पूरा प्लास्टिक में रैप हो रखा है, तो मैं प्लास्टिक की रैपिंग हटाता हूँ इसकी। तो ये हट गई है और फोन यार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, मैं अभी से ही फील कर सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो ये भी एक स्टिकर हटा देता हूँ, ये हटा दिया। फोन तो यार मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा अच्छे अच्छे बी रोल लेकर, तो अभी के लिए इसको भी साइड में रख देते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट को उठाते हैं, ये मैंने उठा दिया है और नीचे हमें एक कवर रखा हुआ मिल जाता है। तो ये खोलता हूँ मैं, ये रखा हुआ है भाई हमारे फ़ोन का कवर। अब ये चीज़ तो बिल्कुल कॉमन हो गई आजकल, हर एक बॉक्स में देखने को मिलती है और ये मेरे को बहुत बहुत बेनिफिट वाली चीज़ लगती है यार। अब नीचे की तरफ हमें चाइनीज़ में यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, तो भाई मैं फिर भी आप लोग को खोल कर दिखा देता हूँ। अब इस वाले बॉक्स पर आते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ, सबसे ऊपर रखी हुई है हमारी डाटा केबल, ये मैं इसको हटा देता हूँ। और ये हमारी टाइप सी केबल है और अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी थिक वायर है, तो ये भी एक अच्छी बात है इस फ़ोन की। और हमें एक चार्जिंग ब्रिक देखने मिल जाती है। अच्छी बात ये कि भाई ये वाला चार्जर जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आपको बॉक्स के अंदर ही बहुत अच्छा चार्जर देखने मिल जाता है, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यहाँ पर हमें सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाती है जिसको मैं नहीं खोलने वाला, मेरे पास पड़ी है यार। वापस फ़ोन के ऊपर आते हैं, ये मेरा फर्स्ट बूट है इस फ़ोन का और पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा आ गया है। और अभी ये थोड़ी देर में बूट होगा और मैं इसको सेटअप करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। थैंक गॉड यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन आ गया, मेरे को लगा सारा का सारा हमारा चाइनीज़ में होगा, बट अब मेरे को सेटअप करने में आसानी रहेगी। चलो भाई आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलती है 6.18 इंच की फुल एचडी प्लस नॉच वाली डिस्प्ले। डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करते हो भाई, मेरे को ओके लगी है अभी तक, बट फुल ब्राइटनेस मेरे को ऐसा लगा कि कलर थोड़े से फेड हो रहे हैं। उसको मैं आराम से घर जाके टेस्ट करूंगा और तब आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा, नहीं तो सैचुरेशन और शार्पनेस तो मेरे को बिल्कुल ओके लग रही है। और अगर हम बात करूं बेजल्स के बारे में, तो भाई इस बार थोड़े से ज्यादा बेजल्स लग रहे हैं। इनफैक्ट जो नीचे की साइड चिन है वो भी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, उसमें नोकिया की ब्रांडिंग भी देखने मिल जाती है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका नॉच इस बार बहुत बहुत बड़ा है नोकिया X6 के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। हम इसमें फ्रंट और बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसका बहुत ही शाइनी एल्युमिनियम वाला फ्रेम है जो कि इसको हद से ज्यादा प्रीमियम बनाता है। और बैक साइड में अगर आप लोगों को मैं लेके चलूं, तो भाई हमारे डुअल कैमरा जो है उसमें भी बहुत ही अच्छी क्रोम फिनिश है, वो भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है फोन को। और हाँ यार, हम इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो भाई जो भी सोच रहा था कि भाई दो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाऊंगा, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। और बताऊं तो नीचे की तरफ हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है चार्जिंग के लिए और ऊपर की साइड हमें हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों चीज को चेक कर लो। और ऑब्वियसली ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बस डिजाइन के बारे में लास्ट में ये कहना चाहूंगा यार, एक्चुअल में हद से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है। मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ कि भाई इंडिया में किस प्राइस पे आता है फोन। आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के क्रेजी पार्ट के बारे में, जो है इस फोन का कैमरा। हमें इसमें बैक साइड में 12+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है और जितना मेरा आइडिया है हमें इसमें OIS भी देखने को मिलती है, वो मैं घर जाके कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो EIS तो भाई जरूर देखने को मिलती है। और मैं आपको बैक कैमरे पे जूम करके दिखाता हूं, यहां पर ZEISS लिखा है जो कि बहुत बहुत शार्प होती है भाई। तो यहां पर मैं देखता हूं कि इसमें ZEISS ऑप्टिक का क्या काम रहता है और कितनी शार्प फोटोज आती है, क्योंकि पुराने नोकिया X6 में फोटोज इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो भाई देखते हैं कि इस बार इन्होंने क्या नई चीज करी है। और अगर हम बात करूं फ्रंट कैमरे के बारे में, तो 20 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है भाई। जो भी सेल्फी लवर है भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है वाली। आगे बढ़ते और मैं लास्ट बात आप लोगों को बताना चाहूंगा इस फोन की बैटरी के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलती है 3500 mAh की बैटरी, जो कि आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप जरूर दे देगी, क्योंकि नोकिया X6 में इससे छोटी बैटरी थी और बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे देता था। तो भाई यहाँ पर ये वाली वीडियो खत्म होती है, मैं आपको इंडिया जाकर सब कुछ इस फोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने सोचा थोड़े बहुत स्पेसिफिक्स बता देता हूँ और आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। होप यार आपको पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज लाइक करके मेरे को जरूर बताना और सब्सक्राइब करके हमारी टेकिंग को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं, अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।